हेलो फ्रेंड्स, आपको हम हेलो गाइस, ये गढ़ के बारे में दिखाएंगे। बघेरा गढ़ देख सकते हो, यहाँ पर आपको पहाड़ी दिखा रहे हैं। ये पहाड़ी कहाँ ये है, यानी बहुत गहराई बनाई जाती है पहाड़ियाँ, इधर भी देख सकते हो। और दोस्तों, इतनी गहराई बनाई जाती है क्योंकि इतनी इसलिए बनाई जाती है कि कोई भी दुश्मन अंदर ना जा पाए, इसलिए यहाँ पर इतनी भारी गहराई पहाड़ी बनाई जाती है। और आपको आगे की तरफ और दिखाते हैं, ये देखिए किवाड़ कितने दरवाजे कितने भारी बनाए जाते हैं। और यहाँ पर आप दीवारें देख सकते हो। वैसे हम यहाँ पर आपको पूरी दिखाएंगे गढ़ के बारे में, और आप देखते रहिए। जैसे आप देख सकते हो इधर भी, और अभी नया नया यानी इधर थोड़ा चल रहा है और पेंटिंग चल रही है दोस्तों। और हम और आगे और दिखाते हैं आपको, इधर के साइड हम ये गैस सिलेंडर भी देते हैं यहाँ पर। और इधर आप देख सकते हो, दोस्तों ये बहुत पुराने ज़माने में यानी महाराजा रहा करता था ना, तब राजा रहा करता था ना, तब का ये गढ़ है। और लगभग तो यहाँ पर ये अस्थि है किसी की, मेरे को पता नहीं है दोस्तों, लेकिन जितना पता है उतना माना जाता है किसी सैनिक को यहाँ पर दफनाया गया है। और उसको यहाँ पर हरियाली हरियाली दिखती है, लेकिन और यहाँ पर आपको यहाँ पर सैनिक के लिए जितनी सुविधा होती है, ये पहाड़ियाँ इतनी देख सकते हो, इतनी गजब की पहाड़ी, यानी कोई भी अंदर दुश्मन ना जा पाए, इसलिए इतनी भारी पहाड़ियाँ बनाई जाती हैं, दीवारें बनाई जाती है इतनी भारी। और इधर हम चलते हैं आगे साइड, यहाँ पर भी देख सकते हो ये सैनिक का रूम है, यानी सैनिक यहाँ पर लुकते हैं, यानी लुक के, बट यहाँ पर लुक के लोगों को यानी दुश्मन अंदर ना आ पाए, इसलिए वो पहरेदारी करते हैं। यहाँ से ये ऊपर पूरा है, डोली दिख रही है यानी दीवारें दिख रही है दोस्तों। हम छत पर नहीं है पूरा, लेकिन यहाँ से आपको पूरा नज़ारा दिखाएंगे। वैसे हम एक दरवाजे से जा रहे हैं, एक दरवाज़ा है ये, और इनसे अंदर की साइड जाते हैं और बाहर का इलाका और देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सैनिक का रूम होता है, और सैनिक यहाँ पर रहते थे और यहाँ से दुश्मनों का नज़ारा देखते थे। और आगे और बताते हैं, ये सैनिक का यानी रूम होता है ना, वो कक्ष होता है ना, वो है इसके लिए। अभी तो बहुत यानी बहुत पुराना हो गया, लेकिन सैनिक रहा करते थे ना पहले, तो तब की बात मानी जाती है। हमें बहुत याद आती है जब पहले, इधर भी देखिए कितने कक्ष हैं, और ये देख सकते हो इतनी दरवाजे और
बनाई जाती है बारी बारी। और यहाँ पर यानी ये पौधे भी लगे हुए हैं, बहुत सारे पौधे हैं, हरियाली है। हाँ अभी तो हम बाहर बाहर की इलाके दिखा रहे हैं, फिर हम अंदर। अभी हम बाहर बाहर का इलाका दिखा रहे हैं, बाद में आपको ऊपर की साइड और दिखा के लेकर चलेंगे। यहाँ पर माना जाता है कि बहुत यानी कक्ष है शिव जी का, लगभग शिव जी का होगा लेकिन मेरे को इतना पता नहीं है, लेकिन है। और यहाँ पर ये देवता है तो पूजा भी की जाती थी पहले, अभी तो नहीं होती है, माना जाता है पहले। इधर की साइड हम जाते हैं लेकिन यहाँ पर ज़्यादा कांटे होने के कारण हम इधर नहीं जा पाएंगे, हम इधर जाएंगे वापस। यहाँ पर ज़्यादा कांटे हैं तो इसलिए इधर जाएंगे वापस। दोस्तों हम पूरे ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं, तो यह देखिए यहाँ का इलाका। और यहाँ पर जैसे ही यानी सैनिक रहते थे पहले, वो सैनिक दुश्मनों पर हमला करते थे, जब कोई भी दुश्मन आ जाता था तो हमला करते थे। और इधर की साइड आपको ये पेंटिंग दिख रही है, अभी पेंटिंग चल रही है इस गढ़ के अंदर, किले के अंदर। तो जैसे आपको और दिखाते हैं इनके बारे में, आप देखते रहिए जब तक, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों ये मुकेश है ना, तो इधर गया था लेकिन यहाँ पर शेर था इसलिए वापस आ गया। यहाँ पर आपको और चीज़ें, नई नई चीज़ें दिखाते हैं। ये गार्डन भी है, आपको गार्डन के बारे में दिखाते हैं। तो ये गार्डन है दोस्तों, गार्डन बहुत यानी सुंदर गार्डन है, इतना सुंदर गार्डन आपको पहले बहुत यानी बहुत मस्त था, अब तो इतना नहीं रहा है लेकिन पहले इतना खूबसूरत गार्डन था। हम यहाँ से अब और अंदर की साइड जा रहे हैं, तो यहाँ से ये पुरानी ज़माने की गाड़ियाँ हैं और ये नए ज़माने की गाड़ी है, यहाँ पर रहते हैं लोग। हमें थोड़ा घबराहट हो रही है क्योंकि हम आए नहीं थे ना इधर, इसलिए ये गुप्पा की तरफ है, जैसे गुप्पा होती है ना वैसे ही है। जैसे ऐसे बनाया जाता है कि जैसे कि इधर से घुस जाए ना लोग तो वापस ना आ पाए, कैसे हम जहाँ से आए थे वैसे ही वापस जाना पड़ता है। हम और ऊपर की साइड चलते हैं तो वैसे, बट हम ऊपर की साइड पूरा जाएंगे और आपको दिखाएंगे। यहाँ से देखते हो कितनी यानी यहाँ से पेंटिंग चल रही है, बहुत मस्त जबरदस्त चल रही है, येलो कलर है तो ये मस्त लगता है। ये अभी तो ऐसे ही बना लेते हैं वीडियो और गेट को खोल के आपको अंदर की साइड वो दिखाते हैं। और दोस्तों हम अंदर की साइड जा रहे हैं, वैसे हम ये देख सकते हो कि कितना पुराना है और यहाँ पर कितनी मोर रहते हैं और यहाँ पर खतरा का डर रहता है ज़्यादा, यानी डर लगता है कि सही माना जाता है कि यहाँ पर इलाका बहुत खतरनाक है। पहले इतना खतरनाक बनाए जाते थे, अभी देखने को बहुत खतरनाक मिलते हैं। हम और इस साइड ऊपर जाएंगे और आपको और दिखाएंगे। इधर वो बोलते हैं ना, वो है क्या बोलते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मेरे को पता नहीं। और हम पूरा ऊपर आ चुके हैं दोस्तों, यहाँ से देखिए कितना खतरनाक नज़ारा दिखता है। यहाँ भी सैनिक रहते थे और सैनिक रह के यहाँ जहाँ से हमला करते थे, यानी कोई दुश्मन आ जाए ना तो हमला करते थे। कितना खूबसूरत
खूबसूरत लग रहा है ये इलाका। देख सकते हो दीवारें कितनी तेज बनाई जाती है। तो थैंक यू सो मच, अगले वीडियो में मिलते हैं।